हेलो दोस्तों, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं बूझो तो जाने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे बहुत से दोस्तों ने बाइबल मुकद्दस के बहुत से किस्से हमें भेजे हैं, जिन्हें मैं यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ करूँगी और हम मिलकर बूझेंगे कि वो कौन सा किस्सा है। पर पहले मैं आप सबसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या आपको बूझना पसंद है? यकीनन आपको पसंद होगा, क्योंकि मुझे भी बूझना बहुत पसंद है। तो चलो हम अपनी पहली पर्ची निकालते हैं और देखते हैं कि वो बाइबल का कौन सा किस्सा है। हम अपना पहला क्लू बनाते हैं। बहुत सारे लोग। चलो दोस्तों, हम अपना दूसरा क्लू भी देखते हैं। एक और इंसान, ये कौन हो सकता है? चलो दोस्तों, तीसरा क्लू देखें। एक बोरा और उसमें प्याला। यकीनन दोस्तों, आपने बूझ लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये यूसुफ और उसके भाइयों का वाक्या है। जब यूसुफ के भाई मिस्र में आए, तो यूसुफ ने अपना प्याला और नकदी सबसे छोटे के बोरे में रख दी। तो जब वो वहाँ से चले गए, तो यूसुफ ने अपने मुलाजिम को उनके पीछे भेजा कि उनसे पूछे, और यूसुफ ने जब प्याला मिल गया तो अपने सबसे छोटे भाई को गुलाम रख लिया। चलो दोस्तों, हम अपनी दूसरी पर्ची निकालते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा किस्सा है। पहला क्लू बनाते हैं। कुछ जानवर। दोस्तों, क्या आपके जहन में कोई किस्सा आया? अगर नहीं तो हम अपना दूसरा क्लू देखते हैं। मरे हुए जानवर। दोस्तों, क्या आपने बूझ लिया? जी हाँ दोस्तों, ये मिस्र में पांचवीं आफत का वाक्या है। ये उस वक्त का वाक्या है जब खुदा ने फिराउन से कहा कि अगर तू इस बार मेरे लोगों को जाने नहीं देगा, तो मैं मिस्र के तमाम मवेशियों में मरी भेजूंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तमाम जानवरों और मवेशियों में मरी भेजी। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ऐ बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ गुजरे दिनों की मदद और हिफाजत के लिए। ऐ बाप, हमें और हमारे दोस्तों को अक्ल और हदायत देना, ताकि हम आपके बताए हुए हुक्मों पर अमल कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, अगर आपका भी बाइबल मुकद्दस में कोई मनपसंद वाक्या है, तो आप हमें दिए गए फेसबुक आईडी पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए बाय।